डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाइनाइट क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन इज इन फिगर 6.15, फिगर 6.15 दिया हुआ है। इसमें एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट, प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के, पी आर टी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें बराबर शो करना है। एंगल पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर शो करना है, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में गिवन है बेटा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल यहां पे दिए गए हैं क्वेश्चन में, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में इक्वल दिए गए। ठीक है, टू प्रूफ करना है हमें एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, इन दो एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका देखें प्रूफ। देखिए एस टी क्या है, लाइन है, एस टी एस क्यू आर टी या एस टी कह लें तो ये क्या चीज है, लाइन है। एस टी इज ए लाइन, फिगर से क्लियर है ये, बाय फिगर वी कैन से एस टी इज ए लाइन। अब इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, और लीनियर पेयर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 180 डिग्री। तो बेटा यहां पे देखिए हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं एस टी के ऊपर, एक एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर। ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये, एक तो ये एंगल पी क्यू एस और दूसरा एंगल हमारा है पी क्यू आर, ये लाइन के ऊपर बन रहे हैं एस टी लाइन के ऊपर, तो ये लीनियर पेयर है, तो इसलिए इनकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक है, एस टी इज ए लाइन, देयर फोर एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस दिस वन एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा इनका सम। वाई, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। ठीक है, अब बेटा आप यहां से अगर आप पी क्यू एस की वैल्यू निकालना चाहें या पी क्यू आर की निकालना चाहें, तो जो दूसरी वैल्यू है हमें इसको दूसरी साइड में ले जाना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इम्प्लाइज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम कह सकते हैं इसी तरह से कि पी आर टी, पी आर टी और प्लस पी आर क्यू, इनका सम भी 180 होगा, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। यहां पे लिख देंगे पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों एंगल लाइन के ऊपर बन रहे हैं, पी आर टी और पी आर क्यू दोनों ही एस टी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, अब क्या करें हम, यहां से पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें इसमें से, तो ये पी आर टी को उधर ले जाना होगा। तो इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, पी आर टी उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 180 में से, माइनस एंगल पी आर टी, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, वी हैव पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है, प्रोवाइड किया गया है। अब इक्वेशन वन और टू का यूज करके ये जो पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यूज हमने फाइंड करी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू के प्लेस पे, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, इक्वेशन वन और टू का यूज कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। वन से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, पी क्यू आर की, तो यहाँ पी क्यू आर के प्लेस पे लिख देते हैं 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, इक्वेशन टू से पी आर क्यू की वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पी आर क्यू के प्लेस पे पी आर क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं 180 माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है। इसको यहीं पर रोका पी क्यू एस को, तो ये जो 180 है इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस का साइन था इधर आ जाएगा माइनस का, प्लस का 180 माइनस का 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 180 में से भाई 180 में से 180 जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई हमारी, प्लस 180 माइनस 180, ठीक, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का एंगल पी क्यू एस, माइनस का एंगल पी क्यू एस, और इस राइट साइड में बचेगा हमारे पास माइनस का एंगल पी आर टी, ठीक है। दोनों साइड में अगर माइनस हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, प्रूफ्ड। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।